हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए आलू की कतली एकदम परफेक्ट बनाने का तरीका, या आपके पास आलू जो मीठे हैं टेस्ट में तो उसको मीठापन खत्म करने का तरीका बताएंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये आलू की कतली बनेगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना। यहाँ सबसे पहले हमने ऑयल गर्म किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हमने यहाँ 4 से 5 लाल साबुत हुए जिसको छोटा छोटा काट लिया, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम यहाँ आलू डाल देंगे। अगर आपके पास आलू का टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है तो यहाँ आलू का मीठापन खत्म करने के लिए इसको धुलकर काटकर करीब आधा घंटा या 10 से 5 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए नमक लगाकर रख देना है, पानी थोड़ा सा डालकर। इससे क्या होता है, मीठापन खत्म हो जाता है। अगर मीठे आलू नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है आलू, हमने जैसे ही जीरा चटक गया मिर्च का कलर चेंज हुआ, आलू डाल दिए हैं। और अभी हम यहाँ हरी मिर्च ऐड नहीं करेंगे। आलू डालने के बाद यहाँ 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। इससे क्या होता है, आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आलू में जो पानी होता है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो जाता है जब हम हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए भूनेंगे। और जितना अच्छे से आप इसको, तो यहाँ आलू बहुत अच्छे से, हमने पानी बिल्कुल पूरी तरह से खुश्क हो गया है, अच्छे से भून लिया है इसको। अब यहाँ पर नमक डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक डाल लीजिएगा। अच्छे से एक बार मिला लेना है। अगर आप चाहे तो हरी मिर्च आलू के साथ ही डाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ 50% आलू गल गए उसके बाद यहाँ हरी मिर्च ऐड की है। सबको अच्छे से मिला लेना है और करीब 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और इसे भूनना है मिर्च के साथ में आलूओं को। और बाद में लो फ्लेम पर तब तक हमें इसे कुक करना है जब तक कि पूरी तरह से गल नहीं जाते। और उसके बाद बस आप चेक कर लीजिएगा, आलू जब गल जाए तब हम इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर दिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।